एक बार फिर अराजक तत्वों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए तनाव फैलाने की कोशिश की। जालौन की उरई में स्थित काशीराम कॉलोनी में बुधवार देर रात अराजक तत्वों ने वहां स्थित मंदिर के चबूतरे को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, वहां स्थापित मूर्तियों को भी अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया है। गुरुवार की सुबह काशीराम कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां के लोगों ने कॉलोनी में बने मंदिर का चबूतरा टूटा देखा। इसके साथ ही मंदिर में स्थापित मूर्तियों को भी क्षतिग्रस्त किया जा चुका था। यह बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। मामले की जानकारी पाकर कॉलोनी की चौकी पुलिस मौके पर आई और मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस सहित उच्चाधिकारियों को खबर दी। खबर लगते ही मौके पर बजरंग दल के कुछ लोग भी आ गए। पुलिस ने मौके की नजाकत को समझते हुए मूर्ति को पुनः स्थापित करवा दिया, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि जितनी मूर्तियां टूटी हैं सबको पुनः लगवाया जाए और साथ ही ऐसा करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे प्रतिमा जो लगी थी मूर्तियाँ, उनको तोड़ा गया है, ले जाया गया है, इसके बाद गायब कर दी गई हैं यहाँ मूर्तियाँ। और जो पंचके चल रही थी इसमें स्थापना होती ही नहीं है। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है, अब चलो ठीक है, लग गई ही हैं, ठीक है, अब जो मूर्तियाँ जो टूटी हुई हैं उनको भी लगवाओ, आप जो दो मूर्तियाँ रह गई उनको भी लगवाओ, खंडित कर दी गई हैं तो उनको भी लगाओ। जब आपने तीन लगा दी हैं दो और लगाइए आप। दे रहे हैं चौकी में, वो दे रहे हैं, क्या नाम है, एप्लीकेशन। एक अज्ञात लोग हैं, अज्ञात लोग हैं, ये पता नहीं कौन है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, हम लोग यही मांग करते हैं बस। वहीं SP जालौन का कहना है कि बीती रात कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर के चबूतरे को तोड़कर कुछ मूर्तियों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिनको पुनः स्थापित करवा दिया गया है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया है। कल रात की बात है, काशीराम कॉलोनी में बाहर एक चबूतरे पर देवी देवताओं की छोटी छोटी प्रतिमा रखी हुई है, खुले में है। रात्रि में किसी ने, अज्ञात व्यक्तियों ने उसको क्षतिग्रस्त कर दिया है, उसके आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। सुबह जब इसकी जानकारी हुई है तो स्थानीय पुलिस द्वारा प्रतिमा को नवीन प्रतिमाओं से बदल दिया गया है और वहाँ पे कोई शांति व्यवस्था संबंधी समस्या फिलहाल नहीं है और अज्ञात लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ BK के लिए ओरई से प्रणव शुक्ला की रिपोर्ट।